मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मई दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कही ये बात। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर बिहार मंत्री ने कही ये बात। 14 और 15 मई को होगी हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक। कुमार विश्वास के इस ट्वीट से लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए मजे। द केरल स्टोरी पर मचा राजनीतिक घमासान। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कही ये बात। राष्ट्रीय लोक जनता दल का राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में चल रहा 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर का अब समापन हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चल रहे राजनीतिक शिविर के समापन भाषण के दौरान कहा कि अब किसी भी कीमत पर अपने पार्टी का विलय नहीं करेंगे। कितनी भी कठिनाई सामने आए लेकिन आगे पार्टी को बनाकर रखेंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार लड़ाई कर रहे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। राजनीतिक शिविर के समापन समारोह के दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री ने सीएम गहलोत को लेकर कह दी ये बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अभी गहलोत साहब को कहा, अब तो जान बाकी रही है, एक साथ पूरे कैबिनेट की जान निकालो और इनको दे दो, फिर भी कहेंगे मजा नहीं आया। ऐसे ही विवादित बयान देते हुए उन्होंने आगे कहा कि अरे पागल, यह मर गया और फिर भी तुझे मजा नहीं आया, अब इसका क्या करे। बता दें कैबिनेट मंत्री द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके इस बयान को देखकर कई मायने लगाए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर बिहार मंत्री ने कही ये बात। रविवार के दिन सुरेंद्र राम, जो कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन के मंत्री है, वे कैमूर पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है, ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहे हैं। मंत्री ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करते हुए आगे कहा कि ऐसे बाबाओं का देश हित और धर्म हित के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोग एक दूसरे धर्म को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। बता दें कि 13 मई से 17 मई के बीच पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन होना है। उनके कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ आरजेडी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता द्वारा कहा गया है कि बिहार सरकार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कार्यक्रम को रोकने की गलती कर रही है। यदि सरकार ऐसा करती है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कपिल सिब्बल केंद्र सरकार पर हुए हमलावर। विपक्षी पर बीजेपी पर जांच एजेंसियों के मामले को लेकर हमलावर है, क्योंकि देश के कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों को सीबीआई और ईडी द्वारा अलग अलग मामलों में नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में पुलिस के कस्टडी में हुए अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या को लेकर भी कई सवाल विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। अब इन मामलों को देखते हुए कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। अब सिब्बल से पूछा गया कि बीजेपी आपको तानाशाह क्यों लग रही। इसके जवाब में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, आज मीडिया का मुंह बंद कर रही है, बीजेपी का एजेंडा मैन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है, यह बहुत अच्छा काम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जहां बीजेपी को लगता है कि इस विपक्ष के नेता को सीबीआई के फंदे में डालना है, वहां ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। 14 और 15 मई को होगी हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके वापस लौटे, तब से बिहार के राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। जब से यह मुलाकात हुई है तब से जीतनराम मांझी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। अब एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने बताया कि हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक 14 और 15 मई को होगी। अब इस घोषणा के बाद फिर से यह कयास लगने शुरू हो गए हैं। बता दें कि शराबबंदी कानून को लेकर जीतनराम मांझी अक्सर सवाल उठाते रहते हैं और कहते रहे हैं कि दलित पिछड़ों को इस शराबबंदी कानून के तहत जेल में डाला गया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को राहुल गांधी से सीख देने की दी नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। साथ ही अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत भी प्रधानमंत्री मोदी को दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि अब तक कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। उनके इसी बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कम से कम वे एक चीज में फिट बैठ रहे हैं। अगर उनके द्वारा मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और अगर हम सूची तैयार करना शुरू कर दें, तो हम एक के बाद कई किताबें प्रकाशित कर सकते हैं।
बीजेपी और आरएसएस को लेकर राजद नेता ने कह दी ये बात। राजद नेता सह पूर्व मंत्री विशन पटेल मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए गए आदर्शों पर चलेगा। साथ ही राजद नेता ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर कहा कि वे खुद को सच्चा देश भक्त बताते हैं, लेकिन हमारे कई पूर्वज ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इनको लेकर आज हम सभी किसी को कहने नहीं चाह रहे। जो देशभक्त था वह फांसी के फंदे तक चढ़ा और जो अंग्रेजों का दलाल था वो लोगों को दलील दे रहा है कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हमें देश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में लोकसभा का चुनाव होना है। देश की जनता सभी सच जान रही है, समझ रही है, वह सबक सिखा देगी। इस बार इन लोगों को बिहार से सफाया हो जाएगा। इन लोगों का सपना कभी भी साकार नहीं होने वाला है। कुमार विश्वास के इस ट्वीट से लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए मजे। अपने हाजिर जवाबी और बेबाक बोली के कारण कुमार विश्वास अक्सर लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहते हैं। एक समय था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी जुगलबंदी की अक्सर चर्चा होते रहती थी। हालांकि किसी कारण से वे एक दूसरे से अलग भी हो गए, लेकिन अभी हाल में ही कुमार विश्वास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे लेकर लोग अरविंद केजरीवाल के मजे ले रहे हैं। दरअसल राजस्थानी काका नाम के किसी ट्विटर हैंडल पर पूछा गया था कि आपके गांव शहर में देसी घी के क्या भाव चल रहे हैं। इस ट्वीट को कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा लिखा कि दिल्ली का तो साउथ तक बिक रहा 1 करोड़ रुपए 1 किलो घी। अब कुमार विश्वास के इस ट्वीट को लेकर कई यूजर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि दिल्ली का 1 किलो घी साउथ के 1 करोड़ रुपए, इसलिए अब आम आदमी को 45 करोड़ के शीश महल में निवास करने लगे। कांग्रेस नेता के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान का शाहनवाज हुसैन ने किया पलटवार। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। अब इसे लेकर बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा द्वारा निशाना साधा गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी तो सत्ता में आने के पहले से ही मन की बात बोल रहे हैं। उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, मन की बात का उल्टा असर पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में सैनिकों को मरवाते हैं, ये भी आपके मन की बात है। 2024 के पहले फिर आप इसी तरह कीजिएगा, चाहे सैनिक की हत्या करवाइएगा, मन की बात जनता जानती है, साल 2024 में जवाब मिलेगा। अब अजीत शर्मा के इसी विवादित बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन द्वारा पलटवार किया गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री और सेना का अपमान करेगा उसे देश की जनता जवाब देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी भाषा की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहेगा, शहीदों का अपमान करेगा, देश का अपमान करेगा, उसको देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। बृजभूषण सिंह ने इस वजह से अखिलेश यादव को दिया धन्यवाद। यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। कई राजनीतिक पार्टियां पहलवानों के पक्ष में अपना समर्थन देते भी नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। वह इस मामले को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं, हालांकि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं तो इनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय के हैं और समाजवादी परिवार के हैं, इसलिए वे सच्चाई जानते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष ने सचिन पायलट को लेकर कह दी ये बात। इन दिनों सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। अभी हाल में ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ सचिन पायलट ने अपनी सरकार द्वारा कार्रवाई न करने को लेकर धरना दिया गया था। उनके इस रवैये को देखकर लोगों द्वारा यह कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने के बाद आरएलपी और अन्य दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने की चर्चा भी लोगों के बीच देखी जा रही थी। अब इन सब मामलों को देखते हुए आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है। दरअसल बेनीवाल ने बिना किसी का नाम लिए ही कहा है कि हम तो उनके साथ अलन्यास करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी ही नहीं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो शख्स समय का इंतजार करता है उसका कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान की जनता को अब तीसरे विकल्प की जरूरत है जो उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी देगी। द केरल स्टोरी पर मचा राजनीतिक घमासान। द
द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद राजनीति में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि फिल्म विपुल अमृतलाल की है। दरअसल इस फिल्म के ट्रेलर में केरल के 32,000 महिलाओं की दिल दहला देने वाली कहानी दिखाई गई है, जहां इन महिलाओं को ISIS आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाया गया था। बता दें कि इस फिल्म को लेकर केरल में विपक्ष संघ और BJP का प्रोपेगेंडा बता चुकी है। वहीं अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि यह आपकी केरल स्टोरी हो सकती है, यह हमारी केरल स्टोरी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक चुनौती भी दी, जहां उन्होंने यह लिखा कि केरल में 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला, इस दावे को साबित करने के लिए सबूत जमा करें और 1 करोड़ रुपए ले जाएं। साथ ही अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं रह जाती क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन केरलवासियों को यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह हमारी वास्तविकता की गलत व्याख्या है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर कही ये बात। इन दिनों उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का दौर जारी है। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रविवार को अमरोहा पहुंचे। यहां आने के बाद अपने भाषण के दौरान उन्होंने आप पार्टी के सांसद प्रत्याशी कविता सैनी के पक्ष में वोट देने की अपील की और मुख्यमंत्री योगी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में सब चंगा वाले बयान पर तंज कसा। इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे लेता है पंगा, भाजपा सरकार है नंगा, फिर भी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि हमारे कैंडिडेट को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी पार्टी के समर्थकों पर FIR दर्ज की गई है, गाड़ियों को रोककर गाड़ियों पर भी FIR दर्ज करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है, जो जिसको वोट या प्रचार करेगा उसे चुनाव आयोग के नियमों के तहत करने दो। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उनके बेटे ने PM मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। कर्नाटक चुनाव को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का सिलसिला अभी जारी है। हाल ही में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप बताया था। अब इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान भी सामने आया है। दरअसल अपने एक भाषण के दौरान प्रियांक खड़गे ने कहा है कि PM मोदी खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताते हैं, लेकिन अगर बेटा इतना नालायक हो तो घर कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंजारा समुदाय के लिए आरक्षण की समस्या खड़ी कर दी गई है। एकनाथ शिंदे पर अजीत पवार ने साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने तंज कसा है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शिंदे को भाजपा से हाथ मिलाए 10 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके गठबंधन का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। साथ ही उन्होंने NCP का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के संपर्क में है इस बात को खारिज करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी मजबूत है और गठबंधन में कोई समस्या नहीं है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान और मोहम्मद सकीर हुसैन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्ष को मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। धन्यवाद।